नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर मिश्रा। मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान। महेंद्र सिंह धोनी अपने अगले मैच यानी कि जो मंगलवार को है हैदराबाद के खिलाफ, उसमें ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ बदलाव कर सकते हैं टीम में, और ये बदलाव क्या क्या हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, किसकी जगह हो सकते हैं, वो बताने के लिए मेरे साथ रोहित जुगलान मौजूद हैं। तो रोहित, पहली बात तो ये कि लग क्या रहा है, खबरें आपकी क्या बता रही हैं, सोर्सेज क्या बता रहे हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं, और दूसरा सवाल ये कि बदलाव होने क्यों चाहिए। देखिए, अगर आप खिलाड़ियों की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी कभी भी ऐसे कप्तान नहीं रहे जो खिलाड़ियों को पूरा 3-4 खिलाड़ी बदल लेंगे, ऐसा नहीं होगा चेन्नई की टीम में। आपको पता है क्या करना है, आपको चेन्नई की टीम को जो सबसे बड़ी चीज़ बदलनी है वो अपना इंटेंट बदलना है। वो लैक ऑफ इंटेंट जो उनकी टीम में दिख रहा है ना, लग रहा है कि यार आधे मन से खेल रही है टीम, मतलब जीतना ही नहीं चाहती ऐसा लग रहा है, उस तरह से खेल ही नहीं रही है जिस तरह से चेन्नई की टीम खेलती थी। तो सबसे पहले अगर धोनी और चेन्नई को कुछ बदलना है तो वो है कि एक इंटेंशन जागे, मतलब इस टीम को देखकर लग ही नहीं रहा है इस बार कि ये वही चेन्नई है जिसको हम देखने के आदी हैं, जो हर बार प्लेऑफ में पहुंचती थी, जिसके चैंपियन बनने के बिल्कुल स्ट्रांग चांसेस रहते थे। तो पहली चीज़ आपको जो इंटेंट है वो बदलना होगा। अगर आप इनटू प्लेयर्स आएँ तो फिर जगदीशन पे भरोसा दिखाया जाता है या नहीं, नारायण जगदीशन पे भरोसा दिखाया जाता है या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। हालांकि धोनी अगर उन्हें फिर से एक मैच के बाद बाहर कर देंगे तो वो बहुत अटपटा लगने वाला है और उससे गलत मैसेजिंग भी जाएगी, जो मुझे नहीं लगता कि धोनी करेंगे ऐसा। दूसरी बात, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आपको इमरान ताहिर को यूज़ में लाना चाहिए, लेकिन फिर देखिए दो जो एक अहम गेंदबाज है ना चेन्नई के पास, वो दोनों फॉरनर्स हैं, तो दिक्कत ये हो जाती है कि फिर आप किसको बाहर करेंगे। सैम करन को आप बाहर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो बल्ले से कंट्रीब्यूट करते हैं और एक बैलेंस ला रहे हैं। सेम गोज विद ड्वेन ब्रावो, ऊपर आप फाफ को भी नहीं छेड़ सकते, वॉटसन को भी नहीं छेड़ सकते, लेकिन कैसे आप इन दोनों की एंट्री, एक मेरा खिलाड़ी है इमरान ताहिर और एक है लुंगी एंगिडी, क्योंकि आप देखिए कि तेज़ गेंदबाज, अगर आप पर्पल कैप की लिस्ट देखें ना तो पर्पल कैप की लिस्ट में आपको दिखेगा कि तेज़ गेंदबाज बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो इधर से बोल्ट हो, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो उधर रबाडे, तो ऑफकोर्स जो पर्पल कैप है उन्हीं ने ओन कर रखा है और वही चल रहे हैं उस रेस में, पीछे 17 विकेट हर मैच में यही ले रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। तो आपको ना एक ऐसा फास्ट बॉलर चाहिए जो आउट एंड आउट फास्ट कराए। देखिए नॉर्डजे भी जो है, जो नोकिया है जिनको कहते हैं, वो भी रन्स पड़वा रहे हैं लेकिन विकेट ले ले रहे हैं वो क्रूशियल टाइम पे आकर। तो आपको ऐसे गेंदबाज चाहिए जो सीरियस पेस हो, जिनके अंदर सीरियस थ्रेटनिंग पेस हो। तो वो गेंदबाज एक चेन्नई की टीम मिस कर रही है, क्योंकि चेन्नई की टीम के पास है स्विंग बॉलर्स, दुबई में उतना ना अबूधाबी में, ना दुबई में और ना शारजाह में उतना स्विंग हो रहा है। तो अब आपको चाहिए क्या कि आप पेस से बीट करा सकते हैं, तो वो 140 प्लस या 145 प्लस जिसके पास है ना, नवदीप सैनी आप देखिए क्या पेस करा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं बैट, सिर्फ एक मैच में एक्सपेंसिव रहे हैं वो, इसके अलावा उनका आईपीएल बहुत शानदार जा रहा है। तो मुझे लगता है लेकिन ये दो आप लाएंगे कैसे, ये अब धोनी को सोचना है। मुझे लगता है कि ये दोनों ही बहुत मुताबिक होने चाहिए, ये मतलब बिल्कुल होने चाहिए कोई, या फिर कोई एक ऐसा गेंदबाज चेन्नई के पास हो जो इंडियन हो और जिसके बारे में हमें भी जानकारी ना हो। भाई कई लोगों को नारायणन के बारे में जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई बैट्समैन उनके यहाँ 2 साल से बैठा हुआ है और उसने TNPL में अच्छा किया है, वो 2018 से विकेट कीपर बल्लेबाज है, तो वो निश्चित तौर पर एक बड़ा एडेड एडवांटेज हो सकता है। क्या धोनी उनसे ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि वो ओपन करते हैं ये मुझे जानकारी मिली है, और फिर आप फाफ को नंबर 3 पर ले आएँ क्योंकि फाफ नंबर 3 पर भी खेल सकते हैं। फिर आप देखिए कि इस टीम की बैटिंग को थोड़ा सा और स्ट्रांग होता है, क्योंकि आज जहाँ आप फाफ और वॉटसन में से किसी एक को ऊपर से खो देते हैं ना, तो फिर आप क्या देखते हैं कि यार आपका एक बैट्समैन जो है, जो इन फॉर्म बैट्समैन दो ही हैं इस टीम के पास। या फिर ये भी हो सकता है, या क्या ये नहीं सोच सकते कि जैसे पहले मैच में किया था, आप मुरली विजय से ओपनिंग करवा लीजिए और उसके बाद फाफ को नीचे ले आइए, राइडू है, फाफ है, धोनी आ जाएंगे, लेकिन फिर आप कितने बल्लेबाज, मैं वही कह रहा हूँ कि नारायण क्योंकि आपके टीम के सेटअप में अब आ चुके हैं, पिछला मैच खेल चुके हैं, तो उनसे और वॉटसन या उनसे और फाफ, वॉटसन और उनसे ओपन करवा लीजिए, फाफ को नंबर 3 पे कर लीजिए, 4 को राइडू आ जाएंगे, 5 पे आपके धोनी हो गए और उसके बाद ब्रावो हो गए, तो अचानक से फिर ये बैटिंग लाइनअप लगने लगेगी यार थोड़ा सा और स्ट्रांग लग रहा है कि भाई ऊपर से अगर एक बैट्समैन जल्दी भी गिरता है तो आपको ये पता है कि अभी नीचे फाफ है और फिर राइडू ने भी 2-3 मैचेस में रन बना लिए हैं, हालांकि पहले मैच को छोड़कर उनके बाकी के रन इतने कन्विंसिंग नहीं लगे हैं, लेकिन फिर आपके पास ये एक चांसेस है। बिल्कुल, तो देखना होगा महेंद्र सिंह धोनी क्या स्ट्रैटेजी। देखिए टीम में बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन टीम से ज्यादा बदलाव मैं देखना चाहता हूँ इंटेंट में। बिल्कुल, तो क्या बदलाव धोनी करते हैं या हम उनके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन हाँ जो बदलाव वो होने चाहिए उसके बारे में हमने बात की। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या जिन बदलावों के बारे में हमने बात की वो बदलावों से आप पूरी तरीके से सहमत हैं, क्या ये बदलाव होने चाहिए, कमेंट करके हमें बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।